अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर। तो स्पायरोगायरा की बॉडी जो है वो फिलामेंटस होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको फिलामेंट नहीं बना के दिखाया, फिलामेंट का एक सेल बना के दिखाया है, और उस सेल के अंदर हर चीज़ जो आपको अभी एक्सप्लेन की है वो बना के दिखाई है। तो यहाँ भी एक सेल है, यहाँ भी एक सेल है, तो इस तरह सेल्स जो है आपस में जॉइंट होते रहते हैं और स्पायरोगायरा का एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सेल की बात करें तो हमारे पास जो स्पायरोगायरा का सेल होता है उसके ऊपर सेल वॉल होती है। तो ये देखें, ये जो है ग्रीन कलर में है इसकी सेल वॉल। स्पायरोगायरा के सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है वो भी पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये पिंक कलर में शो हो रही है आपको। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के ऊपर होती है म्यूसिलेज लेयर स्पायरोगायरा के हर सेल के ऊपर। अब सेंटर की बात कर लेते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो है स्पायरोगायरा के हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मटेरियल जो है वो शो होता है। तो ये जो सारा ग्रीन ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं। तो ये आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स में जो है न्यूक्लियस एम्बेडेड होता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो ये आपको ब्लू जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल स्प्रिंग की तरह जो हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं, और जो पाइराइट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में धंसे हुए होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा के फिलामेंट में मौजूद एक सेल का। हर सेल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, और म्यूसिलेज की वजह से जो है हर सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक लॉन्ग फिलामेंट बनाता है जिसको हम फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।